तो वेलकम है आपको हमारे चैनल पे। तो हमारे चैनल पे हम दोनों हस्बैंड और वाइफ और हमारी छोटी सी बेटी है और हमारी मम्मी भी हमारे साथ रहती है और हमारी और एक बेटी है जो कि स्कूबी डूबी है। तो हम घर में डेली व्लॉग्स भी करते हैं और हम ट्रैवल वीडियो भी बनाते हैं। तो हम अपने बेबी के लिए शॉर्ट वीडियोस भी बनाते हैं जो आप देख सकते हो हमारे चैनल पे और हम एजुकेशनल वीडियो भी बनाते हैं बेबी के साथ। तो धन्यवाद आप सभी को हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चलिए दिखाते हैं आज मैं जा रहा हूँ मैं अपने HSRP करने के लिए। मैं तो अभी स्कूल पे है तो बजे है अभी टाइम अभी आपका 12:30 12 to 2 PM का मेरा अपॉइंटमेंट है। तो मैं जाता हूँ और जाके HSRP करके लाता हूँ। देख रहे हो नाक से पानी वानी गिर रहा है क्योंकि पूरा सर्दी से हाल खराब है मेरा। फिर भी जाना पड़ेगा तो अभी थोड़ा सा ठीक है तो जाऊँगा मैं जाके अभी जाके करके लाता हूँ और देखते हैं रास्ते में शायद मैं आपको वीडियो ना करके दिखा पाऊँ क्योंकि मैं मैप से जाऊँगा टू व्हीलर में तो मैप देख के जाना पड़ेगा। मे भी आने के टाइम में मैं भी थोड़ा सा वीडियो करके आपको दिखा सकता हूँ हमारे बैंगलोर का ट्रैफिक। तो चलिए चलते हैं। तो आपको MyHSRP या HSRP गूगल में आप टाइप अगर करोगे तो आपको इस तरह से वेबसाइट आएगा जो पहला होगा बुक MyHSRP। उसमें जाइए और आपको बहुत सारे इस तरह के ऑप्शंस मिलेंगे। जो पहला ऑप्शन है जहाँ पे बोल रहा है हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट विद कलर, उसमें जाइए और उसमें जाने के बाद में आपको इस तरह से आपको स्टेट आप चूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने कर्नाटका यहाँ पे चूज़ किया और रजिस्ट्रेशन प्लेट नंबर, चासी नंबर, इंजन नंबर और जो कैप्चा डिटेल्स है ये सब डाल के आप क्लिक कर सकते हो नेक्स्ट पेज में। और उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट आएगा, फिटमेंट लोकेशन ये सब कुछ आएगा, अपॉइंटमेंट स्लॉट आप बुक कर सकते हो। अगर कार का है तो सम 700 या 600 रुपीज़ आपका कटेगा और अगर टू व्हीलर का है तो सम 450 रुपीज़ या 500 के अंदर में आपका आएगा। अगर आपका गाड़ी बहुत ही पुराना है तो आपको ये वाली वेबसाइट में जाना है sign.in और इसमें जाने के बाद में आपको ये वाला पेज आएगा जहाँ पे आपको ऊपर में टॉप राइट साइड में बुक HSRP बोल के आएगा, उसमें क्लिक कर सकते हो। और सेम डिटेल्स आपको यहाँ भी भरना पड़ेगा, आपको फुल नेम देना पड़ेगा, आपको व्हीकल नंबर डालना पड़ेगा, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो सब डाल के भी आप यहाँ से भी अग्री बटन क्लिक करके आप यहाँ से भी आप बुक कर सकते हो अगर आपका डिटेल्स अगर यहाँ पे अगर पहले वाले वेब पेज में अगर नहीं दिखाता है तो। और अगर इस वाले वेब पेज में भी आपका नहीं दिखाता है तो आपको डायरेक्टली क्या करना है, आपको चले जाना है MakeMyHSRP और यहाँ पे आप गूगल में ऐसे अगर टाइप अगर करते हो तो आपको फर्स्ट ऑप्शन जो मिलेगा या MakeMyHSRP.com में भी आप जा सकते हो तो ये वाला पेज आपका डायरेक्टली खुल जाएगा। और उसके बाद आपको मिलेगा प्लेस माई ऑर्डर, उसमें क्लिक करो, न्यू ऑर्डर में क्लिक करो क्योंकि रिप्लेसमेंट तो नहीं है आपका, ये नया नंबर प्लेट बनेगा। और यहाँ पे भी आप डिटेल्स अपना डाल दो कार या टू व्हीलर का। अगर यहाँ पे भी आपको कुछ हेल्प नहीं मिलता है देन व्हाट आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये साइन वाला वेब पेज में जाना पड़ेगा और इसमें आपको इनके हेल्पलाइन नंबर और ईमेल एड्रेस यहाँ पे मिलेंगे। हेल्पलाइन नंबर में पहले कॉल कीजिए, वो लोग शायद कोई अपडेट आपको दे पाए और नहीं तो आपको ईमेल करना पड़ेगा और ईमेल का रिस्पांस आपको 24 आवर्स के अंदर में आपको आ जाएगा। तो ये जो है शोरूम, ये हीरो शोरूम, ये आपका मारथली में है और यहाँ पे इतने दूर से गया और जाने के बाद में पता चला कि नंबर प्लेट अभी तक आया नहीं है। और सैटरडे को गया था मैं तो मंडे को फिर से जाने को बोला, तो इतना बुखार, इतना सर्दी, ये सब ले जाके फिर उसके बाद देखता हूँ ये पूरा 30-40 मिनट्स पूरा स्कूटर चलाया और उसके बाद देख रहा हूँ कि नहीं ये लोग अभी बंद है। तो गाइस ट्राई कीजिए कॉल करके जाने के लिए, वही ठीक है इनके लिए, कोई ठीक ठिकाना नहीं है। तो आज ये लोग ने बोल दिया कि अभी नंबर प्लेट रेडी नहीं है और आप मंडे को आओ, तो फिर मेरे को मंडे को आना पड़ेगा। अब पता नहीं मंडे को आ पाऊँगा या नहीं क्योंकि अभी तक मेरा मेडिसिन चल रहा है और जब भी मैं ये सब एंटीबायोटिक्स खा रहा हूँ तो पूरा ड्राउजी फील हो रहा है। जैसे तैसे तो आज आया, अभी देखता हूँ मंडे को आ सकता हूँ या नहीं आ सकता हूँ। अगर नहीं आ सकता तो ये लोग को बोलूँगा नेक्स्ट सैटरडे को, इसीलिए मैंने सैटरडे ही किया था और अभी ये लोग बोल रहे हैं कि फिर से मंडे को आओ। तो बहुत ही निराशा के साथ अभी जा रहा हूँ फिर से रिटर्न इस तपती गर्मी में फिर से स्कूटर चला के घर। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं और जाने के टाइम में अभी तो मुझे रोड पता है तो इसीलिए अभी मोबाइल को जहाँ पे हम मैप देखने के लिए जो मेरा मोबाइल होल्डर है वहीं पे मैंने डाल लिया है और थोड़ा बहुत आपको वीडियो दिखा देता हूँ कहाँ से अभी जाना है। तो यहाँ से अभी सीधा तो जा रहा हूँ, आई थिंक ये रोड नहीं है, हाँ आई थिंक मुझे घुमाना पड़ेगा तो घुमा लेता हूँ, उधर से ही रोड है तो घुमा के फिर अभी आपको दिखाता हूँ यहीं से आपको
क्या क्या है नहीं है। तो इतना तो मोटो वीलॉग तो ये चैनल तो मोटो वीलॉग तो नहीं है, लेकिन आज तक मोटो वीलॉग जैसा ही हो गया। तो आपको दिखाते हैं क्या क्या है, कैसे करके थोड़ा बहुत जितना बहुत मेरे से मोटो वीलॉग होता है मैं आपको दिखाता हूँ बेंगलोर का ट्रैफिक। तो थोड़ा बीच में थोड़ा सा रुक गया था क्योंकि थोड़ा सा मैप देख रहा था, मैप देख ले कि कहाँ तक पहुँचा हूँ, कहाँ तक जाना है। तो सीधा जाना है, सीधा जाके सीधा मुझे लेफ़्ट लेना है, और लेफ़्ट लेके उसके बाद में यू टर्न लेना है, और यू टर्न लेके फिर वहाँ से मुझे राइट राइट जाके फिर सीधा जाना है। तो वही, इतना तो प्रो नहीं हूँ मैं विदाउट मैप स्कूटर चलाना। तो ठीक है, अभी देख सीधा रोड ही है, मेन रोड ही है, तो थोड़ा सा निकल जाता हूँ, सावधान से जाता हूँ क्योंकि ऐसे भी बुखार भी है, और बुखार में ज़्यादा पैतरे दिखाऊंगा तो फिर कुछ ना कुछ हो जाएगा, तो इसीलिए आराम से जाता हूँ। तो जा रहा हूँ, अभी बहुत धूप है यार, बहुत धूप है, बाप रे बाप, गर्मी मतलब ख़तरनाक गर्मी है। तो इसके आगे निकल जाता हूँ यार, एक्सपेक्ट नहीं किया था यार, सोचा था कि जल्दी जल्दी जाऊँगा, जल्दी जल्दी आ जाऊँगा, बस यही एक्सपेक्ट किया था, लेकिन इतना देर अभी यहाँ पर वेट करो, फिर से मंडे को आओ, ये सब ही अच्छा नहीं लगता है। पहले से बोलना चाहिए, पहले से बोलने से तो ये सब नहीं होता। और जैम तो आप बापरे बाप, ख़तरनाक जैम है, बात किया नहीं जा रहा है क्योंकि इतना मतलब नाक से मतलब कंटिन्यूसली पानी गिरे जा रहा है मेरा, जैसे तैसे रुमाल वुमाल लगा के मतलब चला रहा हूँ। तो थोड़ा सा सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए, आपके लिए क्लिक होगा लेकिन मेरे लिए बहुत कुछ है, तो लाइक भी कर दीजिएगा अगर अच्छा लगा तो। अभी ऑटो वाले साइड नहीं देंगे कभी भी, मतलब बीच में से जाएंगे, अभी है नहीं इतना स्पीड, फिर भी बीच में से ही जाएंगे, उनको बीच में से जाना है। अबे आगे एक ट्रक भी है, बस भी है, चलो यार आराम से निकलते हैं, इसको ओवरटेक कर लेता हूँ यार। चलो चलो चलो, घर पहुँचना है, रेस्ट लेना है। ये देखो, इसको देखो कहाँ से आ गया घुस गया, पता नहीं आप लोगों को कितना दिख रहा है नहीं दिख रहा है, मैंने तो अपने मोबाइल स्टैंड में लगा दिया है, पूरा स्क्रीन शायद से नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा बहुत यू नो बैंगलोर का रोड का फील आपको आ जाएगा इससे। बस यही से मेरे को लेफ़्ट लेना है, और लेफ़्ट लेके उसके बाद में यू टर्न लेके यहाँ से, ये केयरपुरम का स्टेशन है, यहाँ से मुझे राउंड लेके फिर सीधा जाना है। इधर से व्हाइटफील्ड भी निकलेगा, इधर से केयरपुरम भी निकलेगा, और इधर से आपका स्कूटी भी निकलेगा, टिन फैक्ट्री ब्रिज आपका राइट साइड में। और ये नया अभी एक बनाया है, यहाँ से ओवर ब्रिज बना दिया इधर से मेट्रो होने के बाद। अरे यार फिर से ट्रक का जाम, आगे जा पाऊँ क्या? अरे नहीं यार फंस गया, अब इस तरफ से निकाल सकता हूँ क्या? अरे नहीं, यहाँ पे तो पोस्ट वोस्ट भी है, जाओ जा, जाओ जाओ अंकल, जल्दी जाओ आगे निकलूँ मैं। चलो 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 जी, चलो जी चलो 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 चलो, यू टर्न मार लेता हूँ गाइस, सिर भी चकरा रहा है यू टर्न मारने के लिए भी। चलो निकलता हूँ यार, अब यहाँ से ही अंडर पास ले लेता हूँ, ऐसे तो बैरिकेड डाल के रखा है, यहाँ से घुस नहीं सक रहे, लेकिन शायद टू व्हीलर जा रहे हैं आगे से, दिख रही है मुझे, उस समय आने के टाइम में दिखा था, हाँ टू व्हीलर जा रहे हैं अंदर की तरफ जा रहे हैं। चलो मैं भी निकलता हूँ, पीछे लगता हूँ इनके, गैप है, हाँ है गैप है। चलो चलो चलो, पतली नैरो एरिया, ठीक है निकल गई। ये देखो कहाँ खड़ा करके रखा है ये टेम्पो वाले और ऑटो वाले, मतलब जहाँ मर्जी वहीं पे खड़े कर देंगे, जहाँ मर्जी वहाँ ओवरटेक करेंगे, तो कुछ भी यार। यहाँ पे कोई ओवर ब्रिज बनाना चाहिए, यहाँ पे अंडरपास डाल दिए, लेकिन कोई ओवर ब्रिज अगर बनाए तो शायद ये जैम थोड़ा सा कम हो जाए यहाँ पे। बैंगलोर में कितना भी ओवर ब्रिज बनाए जैम ख़त्म नहीं होगा, सबको ही बोल रहे थे मेट्रो चला, मेट्रो आएगा तो जैम ख़त्म हो जाएगा, कहाँ वहाँ आया, कहाँ जैम ख़त्म हुआ, एक ही है जैसा था वैसे ही। अरे क्या हो गया अंकल जी, न जाते हो आगे न खुद जाने देते हो, अच्छा अंकल जी का गलती नहीं है, ऑटो वाले का, वही है ऑटो वाला, कभी भी कहीं भी रुक जाएगा।
यहाँ से मुझे ब्रिज के नीचे से यू टर्न लेना पड़ेगा। चल भाई ऑटो भाई, निकल निकल निकल, चल चल चल। पता नहीं मेरी आवाज़ कितनी क्लियर आ रही है, पूरा हवा से आवाज़ आ रहा है। माइक तो लगा हुआ है लेकिन माइक में कितना आ रहा है नहीं आ रहा है पता नहीं मुझे। ओके जी, यहाँ से फिर लेफ्ट फुल यू टर्न मार लेता हूँ। कोई है क्या? नहीं है। चलो 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 चलो, निकलो निकलो निकलो। अब आगे जाके है असली घमासान युद्ध। अरे जाने नहीं देगा? हाँ, यहाँ पे है असली घमासान युद्ध। ऊपर से आएंगे गाड़ियाँ और इधर से जाएंगे। ये भी एक जगह है, क्या है मतलब, बस स्टॉप है। बस तो बस स्टॉप की जगह पे खड़ी नहीं होती है, रोड पे खड़ी हो जाती है। चलो भाई चलो 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 चलो। ये देखिए सारे बसेस यहाँ पे खड़े हो जाएंगे। बस स्टॉप तो नहीं है, बस स्टॉप है लेकिन बस स्टॉप में रोड पे खड़े होते हैं सारे बसेस। दिखाता हूँ मैं आपको आगे। ये देखिए ये जैम का अड्डा। निकल 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 जाते हैं। चलो साइड से निकल जाते हैं, इसके ऑटो के पीछे लग जाते हैं। चल भाई, ये देखिए ये रोड पे खड़े हो जाएंगे पैसेंजर उठाने के लिए। और इधर से घुमा रहे हैं देखिए, बस स्टॉप लेफ्ट साइड में सर्विस रोड है वहाँ से। ये देखिए इस बस को देखिए, यहीं पे रुक गया लेकिन वहाँ नहीं रुकेगा, ये रोड में रुकेगा। चल 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 चल, निकल गया। जल्दी निकल गया, चलो अच्छा है। अब यहाँ क्या हो गया? अब यहाँ कौन से जैम बैठ गए भाई? चलो भाई क्या हो गया? अरे क्या हो गया यार आगे? अरे आगे गाड़ी खड़ी है, क्या हुआ? आगे क्यों नहीं जा रही है? कुछ पंगा हो गया क्या? यहाँ पे थार भी यहाँ पे अटक गई है, क्या हो क्या गया? अच्छा ये आगे वाली छोटी हैचबैक शायद नई नई गाड़ी सीख रही है, अटक गई वहीं पे। ठीक है, होता है, चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से चलाओ यार। आगे फिर भी जाम है यार, देखता हूँ यहाँ से निकल सकता हूँ क्या। ये ऑटो तो पक्का यहाँ से निकलने के लिए ट्राई करेगा। देखता हूँ, ये लेफ्ट साइड में थोड़ा थोड़ा ओपनिंग रहता है। बहुत जाम है यार आज, सर्विस रोड लेना पड़ेगा शायद। चलो 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 चलो, ऑटो जाने दे यार, जाने दे। चलो चलो के फिर भी जाम है। आगे ओपनिंग दिख नहीं रही है लेफ्ट साइड में। कहाँ है कहाँ है कहाँ है? दिख गई दिख गई दिख गई दिख गई। निकल 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 या। चलो 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 चलो, दिख गई ओपनिंग। चल भाई तू भी निकल, मैं भी निकलता हूँ। चलो चलो चलो, आराम से आराम से आराम से भाई, बस आ रही है, आराम से ट्रक आ रही है, आराम से जा, रुक जाएगा नहीं तो। बाप रे पत्थर वत्थर गिर गए। ओके चलो निकल गए यहाँ से। अब और एक बड़ा सा जैम का एरिया है, ये निकल गया तो बस हो गया, बस लाइफ जिंगा लाला। उसके बाद मैं आराम से सीधा जा सकता हूँ। बस को सब जगह से जाना है, सर्विस रोड से भी जाना है, मेन रोड से भी जाना है, सब जगह से जाना है। चलो चलो चलो, स्कूटर हम इस तरह से चलाते हैं और निकलते हैं फटाफट से। जब गाड़ी में बैठते हैं तो स्कूटर वाले को डांटते हैं, क्या स्कूटर चला रहा है। लेकिन जब हम लोग स्कूटर चलाते हैं हम भी वही करते हैं ना, हम भी वही फटफट फटफट साइड स्वीट से उधर उधर से निकल देते हैं। बट तो वही इंसान जब हम कार जब चलाते हैं तब तो हम चिल्लाते हैं, अरे क्या यार क्या है, इधर से स्कूटर घुसा रहा है, उधर से स्कूटर घुसा रहा है, जैसे मैं इधर उधर से निकाल दे रहा हूँ। तो वैसे बाकी स्कूटर भी निकालते हैं लेकिन कार चलाने के टाइम में हम फिर डांटते हैं उनको। क्या करें, इंसान ही हैं हम, भगवान तो नहीं। इन छोटी छोटी गलतियों से इंसान बनता। कुछ घर जाके खाना पड़ेगा, भूख लगी है ज़ोर से। खाना वाना खा के, मेडिसिन खा के फिर रेस्ट,
चलो भाई यहाँ पे जैम ज़्यादा नहीं लगा, आराम से निकल गया। ये केयरपुरम का बहुत जैम होता है यहाँ पे गणेशा टेम्पल के पास में। गणेशा टेम्पल ये लेफ्ट साइड में आपका केयरपुरम मार्केट, ट्यूसडे मार्केट जो बैठता है यहाँ पे। और ये ट्रैफिक को चीरती हुई सुप्रजीत निकल रही है, इधर से उधर से इधर से सुप्रजीत निकल रही है ट्रैफिक को चीरती हुई। चलो और चीरते हैं, चलो चलो। और देख सकते हो आप, ज़्यादा कमेंट्री नहीं कर पा रहा, कॉन्सेंट्रेट फोकस इधर है ना। फोकस अभी फोकस करते हैं गाड़ी चलाने में, कमेंट्री बाद में करेंगे। बाप रे क्या है यार, उड़ उड़ के आ रहा है। चलो ओके, निकल गए। अटक गए, नहीं निकल गए। चलो आज ज़्यादा मोटो वीलॉग ही हो गया गाइस, पूरा मोटो वीलॉग वीडियो हो गया है। ये पहली बार मेरा एक्सपीरियंस है इस तरह से मोटो वीलॉग वाला वीडियो। बताइएगा कमेंट्स में कैसा लगा, अगर बोर लगा हो तो भी बताइए, अगर अच्छा लगा तो भी बताइएगा। उधर से बीच से निकाल देता हूँ नहीं तो फंस जाऊँगा। ये भी और एक है, ये बटरली सिग्नल है, ये भी और एक खतरनाक सिग्नल है जहाँ पे जैम मतलब घमासान जैम लगता है। क्या बात है सुप्रजीत, क्या बात है। ट्रैफिक को चीरती हुई निकल रही है सुप्रजीत की स्कूटी। ये स्कूटी मैं अनु के लिए लिया था ताकि मैं भी चला पाऊँ, अनु भी चला पाए। और अनु चला तो सकती है अभी, लेकिन पहले पहले जब चलाई थी वो डायरेक्ट बस एक रुकी हुई थी तो बस को जाके ठोक दी रुकी हुई बस को। तब से मैंने अनु उसको स्कूटी देना बंद कर दिया, लेकिन अभी हाल ही में फिर से थोड़ा थोड़ा वो सीख रही है। चलो चलो चलो, तो हाल ही में अभी वो सीख रही है थोड़ा थोड़ा, तो शायद सीख जाए पूरा, एक्सपेक्टेशन तो यही है। कार भी चलाना आता है अनु को, लेकिन वही थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं है। लाइसेंस वाइसेंस सब कुछ है, टू व्हीलर का भी लाइसेंस है, कार का भी है, सब कुछ का है, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है। अब ये देखिए, ये है बटरली सिग्नल, यहाँ पे हम अटक गए। निकलना है यहीं से भी, चीरती हुई निकलने की कोशिश, कामयाब या नाकामयाब। लेफ्ट ले लेता हूँ, चलो कोई नहीं है, चल। थैंक यू सो मच, पास दे दिया गाड़ी ने। चलो। अरे निकल भाई, अटक गए यार। इसके पीछे जगह है क्या, निकलते हैं। अटक गए। यहाँ से निकल जाएंगे तो बस हो गया आई थिंक। और थोड़ा। चलो सिग्नल छोड़ दिया, निकलो भाई। अरे निकलो यार, ट्रक देखो आगे में, ट्रक को ओवरटेक कर रहे हैं, मतलब साइड से एक लाइन में नहीं चलेंगे वो, पूरा जगह खा के बैठे हुए। हम भी किसी से कम नहीं, हम भी निकलेंगे साइड से। चलो निकल गए और थोड़ा सा अटक गए। अरे बटर अली सिग्नल में अटक गए यार थोड़ा। चलो निकलते हैं सिग्नल में, अभी सिग्नल बैठ गया। यही होता है बैंगलोर में सिग्नलों में, मतलब हाल ख़राब हो जाता है। अब गर्मी तो अभी तो उतनी गर्मी हुई नहीं है। चलो सिग्नल खुल गया, चलो निकलते हैं। गर्मी तो अभी उतनी हुई नहीं है, लेकिन जब होगी गर्मी जून जुलाई में तब तो मतलब हाल ही ख़राब हो जाएगा, तो स्कूटी चला ही नहीं पाएंगे इस गर्मी में। आसपास के लिए ठीक है, मैं अभी सनग्लास लगा के रखा हूँ, नहीं तो मैं तो अपने आँखों से मतलब आँख से मेरे आँसू निकल रहे हैं। एक तो सर्दी है, ऊपर से मतलब धूप में देखा नहीं जा रहा है, तो सनग्लास पहन के बैठा हूँ। आप लोग को दिख रही होगी पूरी भगवान की है नेचुरल हेलोजन लाइट, मैं तो मेरे आँखों में तो चश्मे हैं ग्लासेस हैं। ठीक है गाइस, निकल गए यहाँ से अच्छे से, और यहाँ से अब ज़्यादा जैम नहीं होगा। तो मिलते हैं गाइस, घर पहुँच के बात करते हैं। तो चलो भाई घर पहुँच गए, और इसको भी भौंक रही है, इसको भी भौंकना शुरू। तो भाई घर पहुँच गए और भी पूरा भौंक रही है मेरा हाथ चढ़ के। अनु शायद अभी तक आई नहीं है, 2 बजने को चल रहा है लेकिन अभी तक आई नहीं है। देखते हैं
अच्छा आ गई है। तो वही फिर से मंडे को जाना है और मंडे को जाके फिर से करना है, देखते हैं मंडे को ये लोग करते हैं या नहीं करते हैं। तो वही है गाइस, मेक श्योर आप कॉल करके जाओ, विदाउट कॉल किए मत जाओ, क्योंकि इन लोग का ऐसे ही होता है, ये लोग बोलते हैं लेकिन ये लोग का यही होता है कि आपको करना पड़ेगा कॉल, उसके बाद में आप कर सकोगे।